साल 2019 फोर्ब्स की लिस्ट जारी की जा चुकी है और आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2019 में कौन से ऐसा बॉलीवुड का मेल सेलिब्रिटी रहा है जिसने इस पोजीशन को हासिल किया है जो उन्होंने पिछले साल के भी सेलिब्रिटीज को मात दे दी है। पहले स्थान पर आते हैं अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार द खिलाड़ी अक्षय कुमार। इनका नाम जितना लिया जाए उतना ही कम रहता है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम रहती है। ये बाकी सभी मेल सेलिब्रिटी हो या फीमेल सेलिब्रिटी उनसे ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा फिट रहते हैं। साल 2019 में इनकी 3 फिल्में सामने आई और इन 3 फिल्मों की कमाई के साथ ही अक्षय कुमार बन चुके हैं फोर्ब्स के मेल लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई और पॉपुलैरिटी की लिस्ट में आगे बढ़ने वाले पहले स्थान को हासिल करते हुए। अक्षय कुमार की कुल कमाई है लगभग 300 करोड़, जबकि उनकी टोटल फिल्में जो आई हैं अभी तक साल 2019 में सामने उन्होंने 500 करोड़ की ही कमाई की है। वो बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे दर्शकों कि जो फोर्ब्स अपनी लिस्ट जारी करता है वो होती है 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक, और इस दौरान जितनी स्टार की फिल्में आती है उसी के मुताबिक उन्हें इस पोजीशन पर रखा जाता है। अक्षय कुमार की फिल्म सामने आई केसरी साल 2019 की शुरुआत में, जिस फिल्म ने कमाई की लगभग 150 करोड़। उनकी दूसरी फिल्म रही थी मिशन मंगल, जिसकी कमाई 200 करोड़ तक पहुंच गई, और उनकी तीसरी फिल्म रही हाउसफुल 4, जिसकी कमाई 206 तक पहुंच चुकी थी। 206 करोड़ की कमाई कर हाउसफुल को बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, और इस दौरान अक्षय कुमार की कमाई लगभग 300 करोड़ हुई जो उनकी फिल्मों और विज्ञापनों से हो चुकी है। वह इसी के साथ अक्षय कुमार के बाद अब इस लिस्ट के अंदर कौन सा सेलिब्रिटी शामिल होता है, चलिए उनकी बात करते हैं। पहले स्थान को हासिल करने वाले अक्षय कुमार के बाद दूसरे स्थान को हासिल कर पाए हैं फोर्ब्स मेल की लिस्ट में यहाँ सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान दबंग 3 के साथ पूरी तरीके से एक बार फिर से छा चुके हैं। इससे पहले भारत फिल्म उनकी रिलीज हुई जिसने 200 करोड़ की कमाई से अधिक का कलेक्शन किया। सलमान इस लिस्ट में भारत में पहुंच चुके हैं दूसरे स्थान पर। सलमान की कुल कमाई है 229.25 करोड़। सलमान को दूसरा स्थान दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि पहले स्थान पर विराट कोहली आते हैं जो यहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी मात देते हुए नजर आए हैं। वहीं सलमान यहाँ पर अपने फोर्ब्स के लिस्ट में अब अपनी जगह को नीचे गिराते हुए दिखाई दिए, क्योंकि साल 2018 में उनका नाम टॉप 1 पर था। लिस्ट में अब आता है सलमान खान के बाद नाम सामने शाहरुख खान, यानी कि किंग खान का। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी अब पहुंच चुके हैं इस लिस्ट में, लेकिन वो भारत में भले ही तीसरे नंबर पर आते हो लेकिन उनका नाम 10वें स्थान पर है। इनकी कुल कमाई रही है 124.38 करोड़ की। शाहरुख खान की कोई भी खास फिल्म रिलीज नहीं हुई, मगर प्रोडक्शन हाउस विज्ञापन के जरिए उन्होंने अच्छी खासी कमाई जरूर कर ली है, और उनकी किसी भी फिल्म को यहां पर सफलता साबित नहीं हो पाई है पिछले कुछ सालों में, और कोई फिल्म भी उनकी नहीं हो पाई है यहां पर रिलीज। इसी वजह से वो बॉलीवुड की कई फीमेल सेलिब्रिटी से भी पीछे रह चुके हैं। शाहरुख खान के बाद नाम सामने आता है अमिताभ बच्चन का, जो पॉपुलैरिटी के मामले में यहाँ है तो सलमान खान से कम और शाहरुख खान से कम, लेकिन कमाई के मामले में उनसे काफी ज्यादा है, जिनकी कमाई है 239.25 करोड़। और अमिताभ बच्चन द शहनशाह पहुंच जाते हैं इस नाते चौथे पोजीशन पर। अब अगला नाम सामने आता है रणवीर सिंह का, जो साल 2019 में गली बॉय बनकर बेस्ट एक्टर बन गए साल 2019 के, लेकिन कमाई के मामले में ये बाकी स्टार से पीछे रह चुके हैं, और रणवीर सिंह की कुल कमाई होती है 118 करोड़। ऐसे में रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण से भले ही आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन बाकी सेलिब्रिटी से वो पीछे रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिपोर्ट। इसमें कौन सा सेलिब्रिटी आपका फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।